जिस दिन इलेक्शन चुनाव की बात होती है तब हालात बिल्कुल खराब होते हैं। जिस दिन हम बात करते हैं कि जिस दिन उमर अब्दुल्ला साहब बात करते हैं आफ्सपा हटाने की तब हालात खराब होते हैं। जिस दिन उमर अब्दुल्ला साहब बात करते हैं पीएसए को हटाने की तब हालात खराब होते हैं। जो ये बीटी में सीटी में डीटी में पीटी में बन रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बखूबी वाकिफ है कि क्या हो रहा है। करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को टक्कर मारी और बीजेपी को करगिल में नेस्तो नाबूद करके रख दिया। आप लोग तो चुनाव से भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम तो पहले दिन से एक्सेप्ट करके हैं ये चुनाव। हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप मैदान में आइए। तो नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो किस तरीके का है। इसी के सिलसिले में हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान, हमारे साथ मुख्तसरन बात कर लिए। इफ्रा जी, सबसे पहले आपका खैर मकदम। इफ्रा जी, आपने सुना होगा जो बीडीसी और पांच सरपंच हैं उनका जो टेन्यूवर अब ख़त्म हो गया, क्या लगता है जो एक्सपेरिमेंट हुआ था किस तरीके से आप इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सरपंचों की बात आती है और ग्रास रूट रिप्रेजेंटेटिव्स की बात आती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2010 में इसके इंतखाबात हमारी हुकूमत में भी हुए थे और जो सरपंचों का ये सिस्टम बनाया गया था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही लाया था। जो पुराना सरपंचों का सिस्टम था उसमें हमारे जो शफी उड़ी साहब थे, एक तो शेख अब्दुल्ला साहब का ये आइडिया था और उनका ये ख्वाब था कि ग्रास रूट रिप्रेजेंटेशन ग्राउंड तक जानी चाहिए उस वक्त, और हमारे जो बहुत सीनियर लीडर इवेंचुअली शफी उड़ी साहब थे उन्होंने इस स्ट्रक्चर को कायम दिया था। लेकिन हमने उसके बाद देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब इसके इंतखाबात 2010 में किए थे पंचों के और सरपंचों के, 80% वोटिंग परसेंटेज उस वक्त थी, 80% लोगों ने इस इलेक्शन में वोट किया था। लेकिन हमने आज देखा कि बीजेपी सरकार ने इस पंच सरपंच का जो ये तमाशा करके यहाँ के लोगों के असल हकूक जो हैं वो छीन लिए। उन्होंने क्या कहा, जब हम उनसे कहते हैं कि असेंबली के इंतखाबात आप क्यों नहीं करते, ताकि असेंबली के इंतखाबात में लोग अपने कानून बना सके, लोग अपने बड़े बड़े डिसीजंस ले सके, लोग लेजिस्लेचर में बैठ के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपने कानून बना पाए, ज़मीनी कानून बना पाए, अलग अलग कानून बना पाए। उनका जवाब आता है, लेकिन पंच तो हमने बना दिए ना, सरपंच तो हमने बना दिए ना, डीडीसी तो हमने बना दिए ना। और हमारा जवाब रहता है कि अगर सरपंच और पंच और डीडीसी जो हैं अगर वो लेजिस्लेचर को रिप्लेस कर सकते हैं, असेंबली को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप यूपी में असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं कैंसिल कर देते, आप कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं कैंसिल कर देते। जो ये ग्रास रूट रिप्रेजेंटेशन है इसको बनाना ज़रूरी था। इसमें ख्वातीन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 33% रिजर्वेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में रखी थी, उमर साहब की क़यादत में लाई गई थी, ताकि जब हमने देखा कि बहुत सारी हमारी बहनें माएँ जो होती हैं जो वो एक सरपंच के पास जाती हैं तो शायद वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं अगर एक सरपंच औरत होगी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इस बात को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 33% सरपंच और पंचेस की सीट्स जो हैं औरतों के लिए, ख्वातीन के लिए रिज़र्व की थी, ताकि हमारी माएँ बहनें कभी शर्माएँ ना, कभी कतराएँ ना सरकारी दफ्तर जाने में, कभी अपना काम जब एक पंच में करना हो, सरपंच में करना हो, ज़मीन का कोई काम हो, परमिशन का कोई काम हो, तो हमारी माँ बहन कतराए ना दफ्तर में। जी, मैं यहाँ पे रोकूंगा। जो आप जो बीजेपी की तरफ से नारा था थ्री टायर सिस्टम, अब वो थ्री टायर सिस्टम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक वही मैंने आपसे कहा, थ्री टायर सिस्टम की जहाँ तक बात आती है, इन्होंने कहा कि हम पंच और सरपंचों को लाएंगे और वो उनको हम ग्रास रूट रिप्रेजेंटेशन देंगे। इन्होंने हमने उसी वक्त कहा कि ये कभी ग्रास रूट रिप्रेजेंटेशन जो है ये तो कभी ग्रास रूट रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। अगर ग्रास रूट रिप्रेजेंटेशन होता तो आज आप इनका जब टर्म ख़त्म हो गया, आज आपने पहले ही चुनाव मुकर्रर कर लिए होते कि लोग जो हैं ग्रास रूट रिप्रेजेंट करेंगे। क्या लग रहा है अब यूएलबी के बाद अब पांच सरपंच और बीडीसी का इलेक्शन नहीं होगा, क्या लग रहा है इलेक्शन क्यों नहीं हो रही है? देखिए, इलेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीजेपी जो है उसको पता है कि वो इलेक्शन हार रही है। पिछले 5 साल से उनकी असेसमेंट, ग्राउंड असेसमेंट क्लियर है, वो इलेक्शन हार रहे हैं। और उनकी ग्राउंड असेसमेंट ये भी क्लियर है कि और उसमें उनकी ग्राउंड असेसमेंट ये भी क्लियर है कि वो सरपंच तक की इलेक्शन हार रहे हैं।
उनकी जो बी टीम सी टीम उन्होंने लाई थी वो भी फेल हो चुकी है। आपने और हमने देखा कि बी टीम को अब कोई सपोर्ट नहीं करता, सी टीम बी टीम से आपकी मुराद नहीं करता, सब जानते हैं। अब तो जनाब बी टीम थी, एक सी टीम थी, अब तो नई नई टीमें भी खड़ी हो गई हैं। उनके पुराने जो साथी रहे हैं यहाँ पे, अब तो उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनके पुराने साथियों को जो हाय फलस्तीन करते हैं, अब तो उनके साथ भी हाथ मिला लिया गया है। वो भी आप जल्दी ही, उसका भी आप मुजाहरा जल्दी ही देखेंगे। तो एक टीम खड़ा करना, दूसरी टीम खड़ा करना, तीसरी, अब हाल ही में हमने 2-3 दिन से देखा तीसरी टीम खड़ी हो रही है, करने दीजिए जनाब, लोग तो सब समझते हैं। कहीं नहीं, कहीं आपका कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे, यानी PAGD में आप नहीं जाओगे एक साथ? दैट विल इवेंचुअली बी डिसाइडेड। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने बहुत काम किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है ऑफ अ सिंगल पार्ट कि वो अ सिंगल आ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना दिल्ली का पीछे से पैट है, न दिल्ली किसी इंसान को बोलती है कि चलो आज तुम अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाओ। बीजेपी की तरफ से तो हमारे घर बुलडोज किए जाते हैं, हमारे लीडर्स को बंद किया जाता है। बीजेपी हमारे दामन में लीडर नहीं डाल रही है, बीजेपी नहीं कह रही है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि चलो अब उस पार्टी, अब बी टीम वो वाली फेल हो गई तो अब तुम नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले जाओ। जो ये बी टीमें सी टीमें डी टीमें पी टीमें बन रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बखूबी वाकिफ है कि क्या हो रहा है, लोग बखूबी वाकिफ है। और कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अब दिस इज़ वेरी क्लियरली बिकमिंग बीजेपी एंड इट्स एलाइज वर्सेस द नेशनल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने करगिल में देखा। करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को टक्कर मारी और बीजेपी को करगिल में नस्तो नाबूद करके रख दिया। और इंशाल्लाह मैं आपको कहती हूँ, जम्मू और कश्मीर के लोग इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि जो 2014 में उन्होंने गलती की फ्रैक्चर्ड मैंडेट की, उन लोगों पे भरोसा करने की फ्रैक्चर्ड मैंडेट की, 2014 फिर से रिपीट नहीं होगा जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी। मैं आपसे ये इस बात का वादा करती हूँ। इफ्राज जी, जाना चाहेंगे नेशनल गवर्नमेंट का, अगर हम दिल्ली में देखेंगे गवर्नमेंट का दावा है कश्मीर में जो भी हालात है अभी पूरी तरीके से ठीक है, किस तरीके से आप पूरी सिनेरियो को देखते हैं, क्या हालात वाकई ठीक है? अगर हालात वाकई, ये ना एक श्रोडिंगर हालात ठीक है, जिस दिन इलेक्शन चुनाव की बात होती है तब हालात बिल्कुल ख़राब होते हैं। जिस दिन हम बात करते हैं कि जिस दिन उमर अब्दुल्ला साहब बात करते हैं आफ्सपा हटाने की तब हालात ख़राब होते हैं, जिस दिन उमर अब्दुल्ला साहब बात करते हैं PSA को हटाने की तब हालात ख़राब होते हैं, जिस दिन उमर अब्दुल्ला साहब बात करते हैं कि जो हमारे बच्चे बाहर के जेलों में रखे गए हैं उनको वापस लाइए तब हालात ख़राब होते हैं, जिस दिन घंटाघर का, जिस दिन पुंछ की बारी होती है, पुंछ में जो सिचुएशन होती है तब हालात ख़राब होते हैं, जिस दिन अचानक से TV पे तमाशा करना होता है उस दिन हालात बिल्कुल ठीक होते हैं, जिस दिन घंटाघर में वो डांस शो करना होता है तब हालात ठीक होते हैं, जिस दिन आपको बाकी स्टेट्स में प्रोपेगेंडा करना होता है तब हालात बिल्कुल ठीक होते हैं। बाकी स्टेट्स में प्रोपेगेंडा के वक्त की कश्मीर तो बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। तो मुझे भी खुदारा समझाइए कि हालात ख़राब हैं या ठीक हैं, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो एक कहावत है, चित भी मेरी और पत भी मेरी। वक्तन फवक्तन बीजेपी की तरफ से चैलेंजेस दिए जाते हैं कि इलेक्शन में हम क्लीन स्वीप करेंगे, किस तरीके से इस सिनेरियो को देखें? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि मैं बीजेपी का ये चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं। आप चुनाव कराइए, तो आप लोग तो चुनाव से भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम तो पहले दिन से एक्सेप्ट करके हैं ये चुनाव। हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप मैदान में आइए, तो आपने तो गेम को ही ख़त्म कर दिया है क्योंकि आप इतने डरे हुए हैं। इफ्राज जी, अगर देखेंगे पार्लियामेंट में बहुत से लॉज का अमेंडमेंट भी हुआ, उसमें साथ पंचायती राज भी एक, उसमें भी अमेंडमेंट हुआ, किस तरीके से उस अमेंडमेंट को आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक भी हम अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, एक अमेंडमेंट, दूसरी अमेंडमेंट, ये जो लॉज लाए जा रहे हैं, ना किसी को कंसल्ट करके लाए जा रहे हैं, ना किसी से बात करके लाए जा रहे हैं, ना किसी को, मतलब पार्लियामेंट में तो इन्होंने 150 ऑपोजिशन के MPs को सस्पेंड कर दिया। तो ऑपोजिशन की तो जो लॉ ला रहे हैं खुद ही ला भी रहे हैं, खुद ही सवाल भी कर रहे हैं, खुद ही जवाब भी दे रहे हैं, इलेक्शन भी नहीं करा रहे हैं, खुद ही सरकार बने हुए हैं, खुद ही सरपंच बने हुए हैं, खुद ही लेजिस्लेटर्स बने हुए हैं, खुद ही एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं,
मुझे लगता है पार्लियामेंट की अब हमको हमारे देश को ज़रूरत ही क्या है, जहाँ पे पार्लियामेंट के एमपीज़ को ऑपोजिशन को सस्पेंड किया जा रहा हो सुबह से लेके शाम तक। पार्लियामेंट की ज़रूरत क्या है जहाँ सवाल ना उठाने दिए जा रहे हों, जहाँ कोई सवाल ना कर पा रहा हो। आप किसी बड़े से मिनिस्टर के घर पे एक बैठक बुला लीजिए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी का एक मजाक बनाया जा रहा है, स्वतंत्रता का एक मजाक बनाया जा रहा है, लोगों की आवाज़ का, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का एक मजाक बनाया जा रहा है, लोगों के बैलेट का, लोग जो हैं अपने बैलेट से वोट करते हैं उनके बैलेट का एक मजाक बनाया जा रहा है। उसकी कोई इज्जत नहीं रखी जा रही है उस बैलेट की, जब उनके एमपी को उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंका जा रहा है। तो इन सब सवालों को जो है देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। चलते चलते आपका कमेंट चाहेंगे, जो आप अब देख रहे हैं इस वक्त जो ड्राइवर हजरात है वो पूरा हड़ताल में है, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? जो ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक पे अगर हम देखते हैं, ये जो आईपीसी को रिप्लेस करके नए कानून लाए गए, उसमें कहा गया कि अगर कोई एक्सीडेंट कराता है तो उसको 10 लाख का जुर्माना है। मुझे बताइए सर, क्या कोई एक्सीडेंट जानबूझ के करता है? थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्ट करना, 10 साल की कैद और 7 लाख जुर्माना। जी 10 साल की, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा 7 साल की कैद और 10 लाख जुर्माना। 10 साल का, 10 साल की कैद, 10 साल की कैद और 7 लाख जुर्माना, सो अदर वे राउंड। मुझे बताइए क्या कोई एक्सीडेंट जानबूझ के करता है? क्या कोई खुशी खुशी एक्सीडेंट करता है? क्या कोई मज़े में एक्सीडेंट करता है? इंसान तो सुबह उठ के दुआ पड़ता है कि आज एक्सीडेंट ना हो जाए जब गाड़ी ड्राइव करता है। ये जो है ना, ये कंडीशनल रखा है जो हिट एंड रन केस में रखा गया। सर मुझे आप एक बात बताइए ना, जब आज अब उन्होंने कानून वापस, अब क्यों कहा कि अभी कानून लागू नहीं हुआ है? इस तरह के कानून लाना जहाँ पे आपने कंडीशन, कोई भी किसी को हिट मज़े में नहीं करेगा, कोई भी किसी को, कोई भी ड्राइवर जो होगा किसी को खुशी खुशी कुछ लेगा नहीं। कुछ हालात बिगड़ते हैं, कुछ अचानक से आता है कहीं ना कहीं पे, जब इट इज़, इसीलिए तो उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। एक्सीडेंट का क्या माने हैं? कोई यहाँ पे तो हमने ऐसे भी हालात देखे हैं जहाँ हमारे ड्राइवर हजरात जो हैं, अगर सामने कोई बच्चा आ गया, कोई औरत आ गई, खुद को उन्होंने किसी नाली में डाल दिया, किसी में डाल दिया, अचानक से टर्न कर दिया, अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, खुद मर गए लेकिन आगे वाले को बचा लिया। आप आज उनको कहते हैं कि आपको जी इतना लाख जुर्माना, इतनी लाख कैद, जाए लाएंगे कहाँ से? एक ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती है आप जानते हैं? एक आम ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती है? अगर वो ड्राइवर पूरी उम्र पैसे जमा कर सेव करता रहेगा, पूरी उम्र पैसा जमा करता रहेगा, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? कहाँ से, किधर से घर बेचेगा? अपना, बच्चों को बेचेगा, किसको बेचेगा, कहाँ से लाएगा? तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो तभी होगा ना जब कानून जब पास होते हैं, उन कानूनों पे एक डिस्कशन होता है, वहाँ पे हम जैसे ऑपोजिशन के लोग जो होते हैं ये सवाल उठाते हैं, हम लोग बैठ के ये सवाल उठाते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर आप कैसे होंगे, तो ये कैसे चलेगा। लेकिन और उसके बाद जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है क्लॉज बाय क्लॉज, उस वक्त इन चीज़ों को उठाया जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में न बात करने दी जा रही है, न किसी ऑपोजिशन के एमपी को रखा जा रहा है, न कोई डिस्कशन किसी कानून पे होता है। उठा के बिल ला देते हैं, किसी से पूछते नहीं है, कोई डिस्कशन अलाव नहीं करते हैं, ड्राइवरों की बात को नहीं सुनते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं जो हो रहा है, यहाँ लोग सड़कों पे आ जाते हैं, चाहे फार्म लॉज की बात हो या ड्राइवर ट्रांसपोर्टर्स की बात हो। तो ये तो जब पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं होने दिया, किसी को मुँह ही नहीं खोलने दिया, तो क्या होगा? चलिए, शुक्रिया आपका टाइम का। नाज़रीन देते एनसी की स्पोक्स पर्सन इफ्राजान हमसे बात कर रहे थे। अगले प्रोग्राम में अगले शख्सियत को दावत देंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।